हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही मज़े से खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड लिया है। आप चाहें तो उसे ज़्यादा ले लें या फिर कम कर सकते हैं, आपके यहाँ जितने लोग हों उतने ब्रेड लें आप। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 लीटर दूध लेना है। इसे हाई फ्लेम पे करके हमें इसे बॉयल करना है। तो जब ये बॉयल होने लगे, ये देखिए ये ऊपर उठने लगा है, तो अब हम इसका फ्लेम यहाँ पे लो कर देंगे क्योंकि दूध बाहर गिर जाएगा। तो अब ये लो फ्लेम पे हो गया है। आप चाहें तो इसे मीडियम फ्लेम पे कर दें, मीडियम फ्लेम पे ये जल्दी पकेगा। तो मीडियम फ्लेम पे करके इसे इस तरीके से छोड़ देंगे और इसमें हम डाल देंगे 5 से 6 बड़े चम्मच चीनी, और जिसमें किनारे पे जो मलाई जम जाती है उसे फिर से इस तरीके से हटा के इसे फिर से दूध में रख दें। तो इसे मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए, जिससे कि ये आधा हो जाए दूध। इसे इस तरीके से बॉयल कर लेंगे। और जो किनारों पे मलाई जमती रहे उसे इस तरीके से हटा के उसे दूध में फिर से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 पिंच हल्दी। इसका कलर एकदम वैसा ही आए जैसा कि मार्केट में जो मिलता है उसका होता है। बस इसे इस तरीके से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर बाद ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अभी हमें दूध की क्वांटिटी आधी करनी है। तो ये देखिए ये आधा हो गया है बॉयल होके। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे ही पकाया है। अभी हमें इसे और थोड़ा गाढ़ा करना है। हमें थोड़ी देर के लिए और बॉयल कर लेना है जिससे कि दूध थोड़ा और गाढ़ा हो जाए और इसके टेस्ट में कोई भी कमी ना रहे। इसकी क्वांटिटी यहाँ पे रिड्यूस हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इसे एक बार ऐसे ही चला करके। तब तक हम ब्रेड को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है। अब हमें इसके स्लाइसेस बनाने हैं। तो एक ब्रेड लेके उसे किसी ग्लास से इस तरीके से इसका इसमें इसे कट करना है। तो इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे तो एक गोल सा टुकड़ा कट जाएगा इसमें से। तो इस तरीके से उसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये एकदम परफेक्ट शेप आया है। अब इसी तरीके से जो बाकी का है उसे भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, इसे भी इसी तरीके से काट कर निकाल लेंगे। तो बस जितनी भी रसमलाई आपको बनानी है इसी तरीके से सारे शेप तैयार कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, चाहे तो एक स्लाइस को इस तरीके से किसी कटोरी प्लेट में रख के उसके ऊपर से दूध इस पर रख दें, इससे भी उसका टेस्ट वैसा ही आता है। और इसे गार्निश कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट से। तो बस ये तैयार है। या फिर चाहें तो जो भी रसमलाई के टुकड़े हैं उसे इस तरीके से दूध में डाल दें और थोड़ा सा इसे डिप कर दें जिससे कि ये जो दूध है वो अच्छे से ब्रेड में मिक्स हो जाए। तो पूरा दूध इसमें मिक्स हो जाएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसे इस तरीके से थोड़ा सा डिप करेंगे 1-1 मिनट के लिए। और अब इसे निकाल करके इसकी प्लेटिंग करेंगे। 1-1 रसमलाई इस तरीके से निकाल लेंगे और उसके ऊपर से थोड़ा सा दूध भी डाल देंगे और इसे गार्निश कर देंगे हम ड्राई फ्रूट से। बस जो भी अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स हो आप उसी का यूज करें तो इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो ये आपकी रसमलाई तैयार है। इसके टेस्ट में आपको कोई भी फर्क नहीं पता चलेगा। ये वैसी ही लगती है जैसे कि मार्केट की रसमलाई होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। Thanks for watching.